दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वो गौतम अडानी जो 2 महीने पहले तक चैनलों में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे थे, लोगों को अपने साम्राज्य का मूल मंत्र बता रहे थे, चैनलों के फर्जी अदालत के कटघरे में बैठकर अपना चेहरा चमका रहे थे, आज फिर बोले हैं। लेकिन तब में और आज के हालात में जमीन आसमान के बदलाव आ गए हैं, इसीलिए अडानी के सुर भी बदल गए हैं। पिछले 1 महीने में अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी पर इतिहास के सबसे बड़े कथित कॉर्पोरेट घोटाले के जब से आरोप लगाए रिपोर्ट छापी, तब से अडानी और उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ऐसा गिरा कि आज तक नहीं संभल पाया। शेयर मार्केट में बुरे हाल हुए, खुद गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे रईस इंसान से 38वें पायदान पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी कम से कम एक सुकून तो था कि चलो कोई जांच वगैरह तो नहीं हो रही, जांच मात से तो बचे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी से वो सुख भी छीन लिया। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की जांच कमेटी तो बनाई, साथ में सेबी से भी कह दिया है कि वो जो जांच कर रही है 2 महीने के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। खुद पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश पर अडानी भी बोले हैं। दोस्तों अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कहा, अडानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है, ये मामले को समयबद्ध तरीके से अंजाम तक लाएगा, सत्य की जीत होगी। दोस्तों इस ट्वीट को पढ़े तो ऐसा लगता है कि अडानी जी इस देश के सियासतदानों से ना बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारे देश के नेताओं से, क्योंकि अपनी इस सफाई में वो सत्य की जीत की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो खुद पीड़ित हो, विक्टिम हो, जबकि है इससे उल्टा, उन पर तो हेराफेरी के आरोप है। इससे पहले उनका ग्रुप विदेशों में नेताओं की तरह रोड शो कर रहा था, उनके ग्रुप के बड़े अधिकारी रोड शो कर रहे थे सिंगापुर हांगकांग में, उसके अलावा ग्रुप के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता वाले CFO कंपनी पर लगे आरोपों को तिरंगा आगे करके देश पर हमला बता रहे थे। ग्रुप के गिरते शेयरों की तुलना इन साहब ने जलियांवाला बाग कांड से की थी। दोस्तों अडानी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सच की जीत होगी, जबकि वो खुद अडानी ग्रुप है जिस पर शेल कंपनियां बनाकर अपनी ही कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त के आरोप हैं। वो खुद अडानी ही हैं जिन पर अपनी कंपनी के शेयर ओवर वैल्यू करने के आरोप हैं। वो खुद अडानी ही हैं जिन पर आई एक रिपोर्ट ने निवेशकों के करोड़ों स्वाहा कर दिए। वो खुद अडानी ही हैं जिनके शेयरों की गिरती साख की वजह से भारतीय शेयर बाजार, जो दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों में पहुंच गया था, आज 7वें नंबर पर पहुंच गया है। वो खुद अडानी ही हैं जिनकी वजह से देश के बड़े सरकारी बैंकों के साथ साथ आज LIC को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। 100 बात की एक बात, अगर अडानी को लगता है कि अब तक सच की जीत नहीं हुई है और अब होगी, तो उन्हें खुद ऐसा करने से कौन रोक रहा है। वो हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज करने की बजाय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑडिट कंपनी को हायर करते और सारा का सारा बही खाता दुनिया के आगे रख देते, करवा लेते ऑडिट। इससे अच्छा तरीका सच बाहर लाने का और क्या हो सकता है। अगर वाकई में अडानी मानते हैं कि वो सच्चे हैं और उन पर आरोप लगाने वाले झूठे, तो अडानी ने उस हिंडनबर्ग पर आज तक कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जिन्होंने उन पर इतिहास के सबसे बड़े कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोप लगाए थे। इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आखिरकार हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में अब जांच निष्पक्ष होगी, क्योंकि ये जांच सेबी के अलावा अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी भी करेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।